नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही YouTube चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन में, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन समेत पासपोर्ट और वीज़ा संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों, यहां पे जो है अब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, कहीं कहीं जो है लॉकडाउन खुल रहा है, पासपोर्ट ऑफिस जो है अब कुछ दिनों में पहले की तरह ही नॉर्मली फंक्शन करने शुरू हो जाएंगे। ऐसे में वो बहुत सारे लोग जिनका जो है लॉकडाउन के समय उनका अपॉइंटमेंट था, और चूंकि लॉकडाउन के कारण जो है जितने भी पासपोर्ट सेवा केंद्र के ऑफिसेस थे, साथ ही साथ जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिसेस मतलब कि जो RPO थे, वो सभी जो है गवर्नमेंट के आदेश के कारण बंद कर दिए गए थे। ऐसे में इन बिटवीन जितने लोगों का अपॉइंटमेंट था, उन सभी का जो अपॉइंटमेंट था उसको सस्पेंड कर दिया गया था। और बाकायदा इसके लिए लोगों को जो है उनके मोबाइल पे SMS के माध्यम से भी इस बात की सूचना दी गई थी कि आपका जो अपॉइंटमेंट है उसको जो है सस्पेंड किया जा रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे देश के बहुत सारे हिस्सों में जो है पासपोर्ट ऑफिस खुलने लगे हैं, RPO खुलने लगे हैं। ऐसे में जो जिनका जो है अपॉइंटमेंट कैंसिल हुआ था या फिर अपॉइंटमेंट सस्पेंड हुआ था, वो इस बात को लेकर परेशान है कि क्या उन्हें अपने मीटिंग के लिए, अपने काम के लिए फिर से उन्हें एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अपने खुद से बुक करना होगा, या फिर उनको जो है ऑटोमेटिकली एक नया डेट, नया टाइम के अनुसार जो है उनको एक अपॉइंटमेंट स्लॉट जो है वो जो है मिलेगा। तो बेसिकली दोस्तों, अभी तक जो है मैं खुद कंफ्यूज था, मेरे पास इस बात की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जिस कारण जो है मैं इस पे वीडियो नहीं बना पा रहा था। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे डायरेक्टली भी बहुत बार मैसेजेस किए, फ़ोन किए, तो चूंकि हालांकि इसका कोई आधिकारिक जानकारी मेरे पास नहीं था, जिस कारण जो है मैं किसी को जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कुछ आंसर नहीं दे पा रहा था। लेकिन गाइज, अब ये जो इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से सामने आ चुकी है कि वैसे लोग जिनका अपॉइंटमेंट इन बिटवीन लॉकडाउन जो है सस्पेंड किया गया था, उनको जो है फिर से अपने टाइम के अनुसार, अपने कह सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार जो है उनको फिर से बुक करना होगा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। अगर आपका इंक्वायरी अपॉइंटमेंट था तो आप इंक्वायरी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे RPO के लिए, या फिर अगर आपने नए और फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है तो जो पहली बार आपका अपॉइंटमेंट होता है पासपोर्ट सेवा केंद्र पे, उसके लिए भी फिर से आपको अपना अपॉइंटमेंट जो है वो खुद से ही रेशेड्यूल की करना होगा, सेम उसी ईमेल ID और पासवर्ड का इस्तेमाल करके, जिसको इस्तेमाल करके आपने पहली बार लॉगिन किया था, आपने डिटेल फिलअप किए थे, ओवरऑल आपने जो एप्लीकेशन किया था उसका फिर से आपको अपॉइंटमेंट इस बार खुद से बुक करने हैं। क्योंकि गाइस, शुरुआत में बात ये आ रही थी कि जिनका जिनका सस्पेंड हुआ है उनको ऑटोमेटिकली जो है फिर से अपॉइंटमेंट मिलेगी, लेकिन जो है बाद में जब इस पे मीटिंग हुआ तो लोगों ने सोचा कि नहीं यार, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपॉइंटमेंट के कारण ही रुके हुए थे, लेकिन चूंकि उनका अपॉइंटमेंट जो है सस्पेंड हो गया तो वो किसी दूसरे शहर में है। ऐसे में अगर खुद से पासपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से ही उन्हें नया डेट दिया जाता तो मैं भी शायद उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो वहां पे सेंटर पे पहुंच पाए। इसीलिए जो है लोग अपनी तैयारी के साथ अपने तय किए हुए दिन पे आए, इसके लिए जो है अब आपको खुद से जो है अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। आपको नया डेट पासपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से नहीं दी जाएगी, सारा जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार जो है अपना एक फिक्स टाइम का जो टाइम का स्लॉट होता है वो बुक कर सकें। दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपका जो सारा कन्फ्यूजन था इस लॉकडाउन के कारण, जितने भी सस्पेंड हुए अपॉइंटमेंट है उसके नए स्लॉट को, उसके नए अपॉइंटमेंट को लेकर वो पूरी तरीके से दूर हो चुका होगा। ऐसे में अगर आपका भी अपॉइंटमेंट इन बिटवीन लॉकडाउन अगर सस्पेंड हुआ था, पोस्टपोन हुआ था, तो आप जल्दी से जल्दी जो है अपना एक नया टाइम के अनुसार अपना अपॉइंटमेंट है वो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन बुक करने की सारी सेवाएं खोल दी गई हैं। सो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। जय हिंद।